आपके साथ एक एक वाक्य भी हो गया था, किसी ने आपको लिटरली उठा लिया था। इस गवर्नमेंट ने? यस। ओह ओके। हाँ, इस पीडीएम गवर्नमेंट उसके ऊपर बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं बोल टीवी के, अभी मैं बोल एंटरटेनमेंट स्टूडियोज में बैठा हूँ। yes. बोल टीवी के ऑफिस के बाहर से मुझे उठा लिया गया था और आई वॉज सरप्राइज्ड के उठाने वाले किडनैपर्स हैं, उठाने वाले कोई टेररिस्ट हैं, कोई तालिबान ग्रुप है, या उठाने वाली पुलिस है, या उठाने वाले कोई फोर्सेस से कोई ताल्लुक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान में या कराची जैसे शहर में तो स्नैचिंग भी वर्दी पहन के आते हैं, करते हैं। तो मुझसे मुझे उठा लिया। फेक वर्दी? हाँ फेक वर्दी। हाँ, फेक की बात कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं वो लूप चल गए वर्दी पहन कर। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो टेररिज्म भी यही होता है ना, खुद कुछ हमला करने वाला भी ऐसे ही वर्दी पहनता है और आ जाता है और उसका हिस्सा नजर आता है ना, तो बंदे को डर लगता है, पता नहीं कौन है। उन्हें उठा लिया, फिर मेरे मोबाइल्स ले लिए, मुझे दे ट्रीटेड मी लाइक ए टेररिस्ट। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर सारी रात जो है ना, मैं रात को 11 बजे उठाया, सारी रात मुझे सिर्फ घुमाते रहे और मुंह पे ये फंदा, पाँव पे दोनों बांधे हुए, हाथ बांधे हुए। अभी मैं फिगर आउट नहीं कर रहा था कि जो उठाने वाले हैं हैं कौन। अब मुझे बीच में ऐसा लगे कि ये वो किडनैपिंग फॉर रैनसम है। हाँ। रैनसम है। और पता ही नहीं चल रहा था कि मामला क्या है। और मैं डरा ये हुआ कि यहाँ पर लोग ये समझ रहे होंगे कि फारूकी जो है वो अपने होटल चला गया है। हाँ, वहां वाले समझ रहे होंगे कि इधर फोंडा में सो गया। तो मैं तो गया, पता नहीं क्या सीन चल रहा होगा। तो फिर सुबह तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम होगा, क्योंकि टाइम तो मुझे याद नहीं क्या होगा, उस वक्त अजाने वजाने हो रही थी। उस वक्त ना एक बंदा ना, उसने आके मेरे हाथ दोनों खोले, मेरा थोड़ा मास्क ऊपर किया, कहता आप सोना चाहें तो यहाँ सो जाए। मैंने कहा यार उस्ताद, अगर ये कोई होता ना, कोई पुलिस वाला केस होता, तो ये तो मुझे मारते या मुझे कोई वारंट दिखाते कि भाई आपको इस चक्कर में उठाया है। ये पुलिस इस तरह उठाती भी नहीं। मैंने कहा ये किडनैपिंग है, मुझे डर लगने लग गया किडनैपिंग है। सुबह जो है ना, मुझे उठा के नील डाउन कराया और उनके हाथ में जंजीर थी, इधर मारी इधर मारी। मेरा मतलब मुझे ऐसा लगे मेरा ना जबड़े जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, बहुत मारा। मेरे कपड़े उतरवा दिए, फिर सारा दिन फिर गाड़ी में बिठा के फिर घुमाते रहे, ठुडे मारते रहे। एक दफ़ा फायरिंग रेंज में बिठा दिया, बोला कि ऑर्डर्स आ गए हैं, इसका एनकाउंटर कर दो। मैंने कहा शायद घर वालों ने पैसे नहीं दिए या दोस्तों ने पैसे नहीं दिए तो ये अब मुझे मारने लगे हैं। तो लिटरली इट वॉज ए साइकोलॉजिकल ट्रामा। तो फिर अचानक से जो है ना, उन्होंने मुझे कहीं कोई वैन वोन थी उसके अंदर डाला और घुमाते रहे। दोपहर 3-4 बजे उन्होंने मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस किया, जब पीछे हमारे चैनल पे खबरें चलना शुरू हुई कि हमारा बंदा एंकर जो है वो मिसिंग है। ओह लॉर्ड। तो वहां ले गया, इसलिए भी क्योंकि यहां से शोर हुआ, प्रेशर, तो प्रेशर, आई बिलीव प्रेशर भी होता ही है। तो ट्रांजिट रिमांड मेरा दिया गया 3 दिन का। फिर ये मुझे इस्लामाबाद के लिए ले गया बाय एयर। जब एयरपोर्ट पे गया, वहां मेरी एक वीडियो बनी जो बड़ी वायरल हुई रोते हुए। तो क्योंकि मैं आई वॉज इन ए साइकोलॉजिकल ट्रामा, मुझे नहीं था पता कि है कौन। और जो आपको अगर कोई मुंह पे कपड़ा और फायरिंग रेंज में बिठा दे और फायरिंग कर दे और आपको लगे कि मैं मर चुका हूँ, तो आपके लिए तो नई जिंदगी है। और एक ये भी होता है दैट यू नो, एक आपने कुछ किया नहीं होता एंड यू लाइक, जब इंसान प्रॉपर इतनी मेहनत के बाद सेटल होता है, किसी का हक नहीं होता कि वो एकदम से छीन ले आपसे। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है मतीरा कि मेरा ये लीगल राइट है कि मैं जानूं कि मुझे किस केस में किस चक्कर में उठाया गया। मेरे वारंट ऑफ अरेस्ट तो होने चाहिए, मैं खुद चला जाऊंगा थाने अगर कोई ऐसी बात है तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी वो वीडियो वायरल हुई, टॉप ट्रेंड्स बने पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर। उसके बाद मुझे इस्लामाबाद ले गया, वहाँ मुझे फिजिकल रिमांड पे 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, 9 दिन फिजिकल रिमांड, एंड आई वॉज जेल्ड इन अडयाला फॉर 3 डेज। वहाँ मुझे मौत की चक्की में रखा उन्होंने 3 दिन। वो एक चक्की होती है 6x6 की चक्की, वो 6x6 का एक जगह होती है 6x6 की, no light, उसी में वॉशरूम होता है। ऊपर वो होते हैं बार्स होती हैं, जैसे सलाखें, साइड पे सलाखें, पिंजरा होता है, पिंजरा समझे उसको, केज, इट्स लाइक ए केज। और ये सिचुएशन इंसान की जहन पर एक बहुत ही हैवी ट्रोमा डाल सकती है। यार मतीरा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप उस वक्त पढ़ते क्या सोचे थी? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं वैसे बड़ा सेंसिटिव बंदा हूँ चीज़ों को लेकर। जब से मैं अपने प्रोफेशनल करियर में आया हूँ, मैं बड़ा हर चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन साफ रखता हूँ, और उधर आपका WC उधर लगा, उधर ही आपको सोना हो। तो आई डोंट नो कि मेरे अंदर वो करेज, हिम्मत, वो हौसला कहाँ से आया, आई डोंट नो। और लोग जो है ना, जैसे इस तरह की जगह से निकलते हैं तो उनको सेशंस लेने होते हैं, जाना होता है। मैं निकला हूँ, अगले दिन आई वॉज ऑन TV एंड आई वॉज ऑन एयर।
मेरा शो 5 दिन कर दिया इन्होंने अगले दिन ही। But didn't you think that therapy थोड़ी जरूरी होती है? जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मैं इतना अपने आप को बिजी कर लिया, मुझे कभी दोबारा दिमाग ने उन चीजों को बिल्कुल लॉक आउट ब्लैक आउट ही कर दिया। सोचा ही नहीं मैंने, मतलब मैं इंटरनली वेरी स्ट्रांग है। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मथीरा आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।